हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलांग जैनवासी। कल रात भर पूजे में बैठी थी, आज बहुत आज दिन सबके लिए बहुत अलग है। मैं तो अपना काम पूरा कर रही हूँ, मुझे पता है कि जो होना है वो होगा ही, लेकिन कोशिश पूरी है। लेकिन आपको सच बोलूँ, हम सबको इतना यकीन है कि जो आज होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, कुछ दिनों में फिर से वो चीज़ बदली हो जाएगी, है ना। और होगा वही जो हम चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे जब हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ में अगर हम अपने तरीके से जीते, जैसे अभी हम इंडिपेंडेंट है, जैसे मैं विद्या देवी इंडिपेंडेंट अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, उसमें अगर मैं किसी 4-5 लोगों को पार्टनरशिप में लूँगी तो मुझे सबकी बात सुननी पड़ेगी और हर बात के लिए उनसे राय लेना पड़ेगा, और गलती से मैंने नहीं सुनी तो हमारा ही बैंड बच सकती है। सेम कुछ ऐसा इधर होने वाला है, ज़्यादा दिन ये चीज़ें चलेंगी नहीं, और वो जो होगा होगा। अभी सुबह से हम लोग लगे हैं कोशिश में, अजमेर शरीफ में सब लगे हैं, यहाँ लगे हैं, मैंने किया है कोशिश। दूसरी बात, कल जो मैं बहुत बड़ी चीज़ों से निकली, मैं आज अपने भगवान से रात को बैठ के शिकायत कर रही थी, क्या आपने मेरे लिए सच में मौत का दरवाज़ा भेजा था? तो उन्होंने ये कहा कि मौत का दरवाज़ा आगे था तेरे लिए, तेरे को एक छोटा सांप दिखा इसके लिए तू डर रहे, तेरे को लगा कि तू मतलब हम लोगों ने तुझे सांप भेजा, सांप तो तुझे बचाने के लिए भेजा था कि मत अंदर मत घुसो, क्योंकि अंदर वो तो छोटा सांप था, अंदर तो बड़ी चीज़ें हो सकती थी, कोई और जानवर या कुछ भी ऐसा काट के कुछ भी हो सकता था। तेरे जिन्नातों ने तो तुझे बसाया, तूने तो कहा था कि मेरा जो जिन्नात है जिसकी तू आजकल सिद्धि प्राप्त कर रही है, जो तुझे साक्षात दर्शन देना चाहता है, वो तुझे दर्शन देता है, तुझे बाग जाले के अंदर उसे दर्शन दे दिया, क्योंकि जिन्नात या तो सांप के रूप में या तो बिल्ली के रूप में दर्शन देते हैं। बिल्ली के रूप में तो तुझे रात को ही दर्शन दे दिया था जिस दिन तूने बकरा रखा था, तुझे याद नहीं है? एक काली सी जाड़ी सी बिल्ली बकरे के बाजू से गई थी, बोला हाँ याद है। दूसरी बात, इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगी कि इस वक्त कुंभ राशि वालों को बहुत संभल के चलना है। आने वाली पूर्णिमा तक अगर वो आदमी होंगे तो हो सकता है कि उनकी बीवी का मतलब इस पूर्णिमा तक हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना सुहागन वाला बात, मैं जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। कल ही मैंने बताया था तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को मजाक में लिया। तो इस वक्त बहुत ही खतरे की घड़ी चल रही, क्योंकि इस वक्त 2024 कहते हैं ना शनि भगवान का दिन चल रहा है और जून का महीना है, 6 नंबर है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि कुंभ राशि पे इस वक्त बहुत भारी है। पूर्णिमा तक अगर आदमी होगा तो हो सकता है कि इस पूर्णिमा तक वो उनकी औरत को खो देंगे, उनकी बीवी की मृत्यु हो सकती है, और अगर औरत है तो हो सकता है कि इस पूर्णिमा तक, आने वाली पूर्णिमा तक वो विधवा हो सकती है। ये मुझे मिला है, ये देखिए जो हमें एक आभास मिलता है वो आभास के जरिए, देखिए कल भी मुझे आभास हुआ था कि अंदर सांप है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, उस सांप ने तो आगे आके दिखाया था, मेरे पैर के पास एक सांप था, नसीब सोचो उसने मुझे काटा नहीं, ये बात है। वो सामने आने लगा तो मैं पीछे खसक के बाहर आई, जो कि मैं अंदर अंदर तक चली गई थी, और हो सकता था कि उसके आगे एक और बड़ा कुछ होता, क्योंकि ऐसे सब जगह जब गंदा पानी भरता है तो वहाँ पर चीज़ें होती है। कल मेरे भाईजान ने भी बताया कि ये तो कोई अलग ही करिश्मा है, क्योंकि आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है कि बाग जाली में सांप निकला हो, ये पहली बार है। कितना भी पानी भरे रहने दो, सांप तो कभी नहीं निकलता है, लोग पानी में से जाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही कारण था जो कहता है आपके लिए वो था। बहुत बड़ी बात है, आपको सच बोलूँ उस दिन मैं रात को रुकने वाली थी, मैंने सोचा था रात को बाग जाली में से निकल के सब काम करूँगी, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, रात को तो हो सकता था चीज़ें मुझे दिखती नहीं, तो भगवान ने मुझे बचाया है। और बहुत सारे लोगों का प्रूफ प्लान फेल कर दिया है, मुझे पता है कल बहुत सारे लोग अफसोस खाए होंगे, अरे शिट होते रह गया, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए भी बनी हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए भी बनी है, जो कहते हैं ना मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जाते होंगे, जो मेरे साथ बीता है कल तुम्हारे साथ बीतेगा, ये उन्होंने मुझे रास्ता रोका है, क्योंकि वो चीज़ें अब तुम्हारा वेट हो रहा है। कोई ना कोई तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो ज़िंदगी में कोई ना कोई मंदिर मस्जिद जाते होंगे, वहाँ ये होने वाला है किसी के साथ, ये बात है। तो ये अभी हमें जो मिले, देखिए मैं वाक्य सिद्धि करती हूँ, जो दिखा है वो बताया, तो इसके लिए एक उपाय बता रही हूँ मैं, ऐसा कोई खुश नहीं हो रही हूँ, इसके लिए एक उपाय है, ये है कि अगर हो सके तो, एक्चुअली श्रावण का महीना भी चालू नहीं है, इतनी बड़ी मुसीबत का घड़ी आ रहा है, श्रावण का महीना भी चालू नहीं कि आप त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा पाठ करा सके, लेकिन तो भी अगर हो सके तो अपने कुल देवता या कुल देवी के दर्शन जरूर करके आए। हो सकता है कि मृत्यु एक्सीडेंट में बदले, मतलब होगा तो ज़रूर, ये हो सकता है कि जैसे मौत ना हो, कि अगर आपने कुल देवी का दर्शन कर लिया या कुल देवता का दर्शन कर लिया तो ये हो सकता है कि आपकी मौत टल के एक्सीडेंट में बदल सकती है। ये होगा कि 4-5 महीने आपको पलंग पर रहना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जाने से तो ये बेटर है,
ऐसी बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी कहा था कि 5 जुलाई से एक मारण क्रिया शुरू होगा, जिसका मैंने पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे विश्व का, जैसे मैंने यूपी के 80% सरकार का मुआयना किया था, वैसे मैं बताती हूँ कि हर जगह का एक मुआयना किया है। महाराष्ट्र में कम से कम 45 लोगों का नाम आया है, सब मिला के, पॉलिटिक्स सब मिला के, तो उसमें से और क्या बोलते हैं, यूपी में करीबन 12 लोगों का नाम आया है, राजस्थान में करीबन 5 लोगों का नाम आया है, आंध्र प्रदेश में 2 लोगों का नाम आया है, ऐसे यूपी में मतलब बिहार सब आ गया, उधर के लेके 12 लोगों के नाम हैं। राजस्थान में मैंने बोला कि 11 लोगों का, मतलब 11 भी नहीं, वहाँ 5 लोगों का नाम है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है ऐसा, बाकी सब जगह का इतना कुछ हो नहीं है। तो इन लोगों का जो चपटी है ना, इन लोगों में से महाराष्ट्र में कुछ लोगों को, कम से कम 15 से 20 जनों को ऐसा होगा कि लकवा ऐसा पड़ेगा कि वो आजीवन सामने वालों को देख देख के मतलब जलेगी, कि उनको लकवा पड़ेगा, तो ज़िंदगी भर वो मतलब वो जिंदगी मौत से भी बख्तर रहने वाली है। बाकी जगहों पे तो होगा, यूपी में तो डायरेक्टली खात्मा ही होने वाला है, एक बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है, भूकंप का झटका आएगा या बारिश के मौसम में कुछ होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से 5 अगस्त तक इन सब रिजल्ट आ चुके होंगे, ऐसी बात है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, ये महाराष्ट्र के जो हैं इसमें कुछ हमारे पर्सनल भी हैं, कुछ वो भी, सब लोग मिक्स हो गए। मैंने तो कुछ लोगों को, मैंने जो अपने, जो लोगों ने मेरे लिए गेम रचा था, जो लोगों ने मेरे लिए गेम रच के मेरे साथ अच्छा बन के, जो मेरे साथ अच्छा बन के जो मेरे लिए गलत काम किया था, उन लोगों के लिए तो मैंने लकवा ही सोचा है, बहुत हो गई माफ़ी। मैंने आज तक ये सोच के माफ़ किया कि जाने दो, क्या है, आज नहीं कल सुधरेंगे, कल नहीं परसों सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधरना है। तो क्या है ना, मारण क्रिया इनके लिए नॉट एक इशू, सज़ा है, इनकी सज़ा है अब इनको खुद पैरालाइज होके घर में रहना। जब ये पैरालाइज होके घर में रहेंगे और इनको फिर इनकी ताकत, फिर मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा यार दोस्त, कौन सी सखी सहेली तुम्हारे साथ या तुम लोग के साथ तुम्हारा रिश्ता निभाने आते हैं, और कौन से तुम्हारे लोग जिनको तुम लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो, कौन तुम्हारा घर चलाने आता है, ये मेरा वादा है, मैं देखना चाहती हूँ। तो बस वेट एंड वॉच, और आज शाम की तैयारी मैंने पूरी की है, कल रात को भी 3 बजे तक पूजे पर बैठी थी, अभी भी चालू ही है। कोशिश तो पूरी यही है कि जो हम लोग, जीत तो मेरी होनी है, जीत मेरी हो चुकी है। राजस्थान में जो 5 जनों का नाम है, उनमें 1 जन तो मेरे पर्सनल है, जिनको बार बार समझाने के बाद भी कभी उनके मुँह से बेटी निकलता है, कभी ये निकलता है, कभी वो निकलता है, लाखों का कितने सारे केसेस तो उनके ऊपर है, लेकिन उनको दुनिया पे केसेस करने का बहुत शौक है। अब वो केस ऊपर जाके लड़ेंगे, अब इससे इन्होंने कुमाता वाला हाल किया, और सिर्फ ये नहीं लड़ेंगे, इनके खानदान में कोई नहीं बचेगा, बाहर गांव में बच्चे हैं ना, अचानक से कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं, याद है कि नहीं। ऐसी बात है, कुछ लोग हमारी गोराई में हैं, जिन लोगों को दूसरों को कहते ना, दूसरों के घर में, दूसरों का घर के पीछे कैसे पड़ना चाहिए, मेरे घर को पिछली बार भी घर के पीछे पड़े थे, घर कैसे खाली करवाना चाहिए, घर के पीछे कैसे पड़ना चाहिए, इसकी बातें कैसे पता करनी चाहिए, तुम लोगों का भी यही हाल होगा, तुम लोगों को लकवा पड़ेगा, और ऐसा हाल होगा कि आइंदा तुम लोग सोचने समझने लायक नहीं रहोगे। बोरीवली से लेके अंधेरी के बीच में दहिसर में भी कुछ तो हमारे रिश्तेदार ही है, कोई दहिसर में तो एक आध रिश्तेदार है जो हमारे घर की कॉपी करते हैं। नए अमीर बने हमारे घर की कॉपी करते हैं, हमारे जैसा रहना, क्रिकेट में जाना, ये करना। अरे तुम लोग कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन तुम लोग नकल चोर हो ना, अभी भी हमारे घर की कॉपी करने को देखते हो ना, तो तुम्हारी भी वही, तो फिर तुम्हारा हाल भी वही होना चाहिए जो दूसरों का हुआ, तो तुम्हारे साथ भी यही होना, तुम्हारे साथ जो होना वो बड़ा और बहुत भयंकर होगा, मज़ा देखो क्या होगा। इस बार जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत गंदा और बहुत बेकार होगा, ये बात तो पक्की है, ये मेरा बात मान के चलो। दहिसर से लेकर अंधेरी तक के अंदर 15 लोगों का नाम है, 15 लोगों का, वो जो मैंने बोला ना 45 में से 15 लोगों का नाम है, सारे के सारे पॉलिटिक्स वाले हैं, दलाल है, एजेंट है, कहते हैं ना अपनी माँ बहन आई घालने वाले लोग हैं, है कि नहीं। इन सब का खात्मा तो 5 अगस्त को होगा, ये मेरा वादा है, लिख के लेना, नहीं हुआ तो फिर जो बोलो वो हारूंगी मैं, ठीक है। जय माता दी।